हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिरा शेख। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम का डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करने वाले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर, पिछले लेक्चर के अंदर हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बाइनोमियल का फॉर्मूला दिया था। सर, बाइनोमियल और पॉइजन में डिफरेंस क्या है? बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यहां पे वेरिएंस और मीन से रिलेटेड चीजें आएगी। मीन आपने यही सेम चीज बाइनोमियल में देखा था, एन इंटू पी किया था हमने, उधर वेरियंस भी किया था, याद है? वेरियंस एन इंटू पी इंटू क्यू किया था। बट उसमें और इसमें फर्क यह है कि यहां पर आपको ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, बट यहाँ पे स्पेसिफाई रहेगा यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे नहीं स्पेसिफाई रहता। बाइनोमियल में स्पेसिफिकेशन नहीं, बट इधर स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 235, यहाँ पे मेरे पास मनन प्रकाशन का टेक्स्ट बुक है, उस पर पेज नंबर 235 क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ रहा हूं। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ बॉल पेन नोज दैट 5% ऑफ हिज प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। उसको मालूम है कि जब वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है तो उसमें 5% प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। 5% मतलब 5/100, मतलब आई कैन से तो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबेबिलिटी फॉर डिफेक्टिव पेन कितना है? 5%, मतलब 5/100, या तो फिर 0.05 भी बोल सकता हूं मैं। बराबर, ये समझा आपको? तो यहां पे P का वैल्यू मिल गया। सर, आपने P का फाइंड किया तो Q भी फाइंड कर सकते हो, बट Q का रिक्वायरमेंट अगर होगा तो करेंगे, नहीं तो P का रिक्वायरमेंट है टू गेट मीन, और मीन का मतलब है M, जो आपको आपके फॉर्मूले में यूज करना है। इसके पहले हमने मीन यूज नहीं किया था, यहाँ पे हम मीन यानी कि M का वैल्यू फाइंड करें। ये समझा? और M में अपने को क्या चाहिए? N और P चाहिए। तो अब सवाल ये है कि N कितना? सर क्वेश्चन में दिया है, देखो ना, इफ He sell pen in a box of 100 and guarantee not more than 10 pens are defective. What is the approximate probability that the box will contain no defective pen, at least one defective pen, and two or more defective pen, where e raised to minus 5 equals to 0.06738 or 0.0067। अब देखो यहाँ पे एक ही छोटा सा चीज याद रखो, आपको क्वेश्चन पे e raised to minus 5, minus 4, e raised to कुछ ना कुछ तो दिया ही रहेगा, e raised to कुछ ना कुछ दिया रहेगा। जरा फॉर्मूला देखना, e raised to कुछ ना कुछ दिया रहेगा, वो क्या रहेगा? m ही रहेगा। यहाँ पे e raised to minus 5 दिया है क्वेश्चन में, मतलब यहाँ पे m का वैल्यू कितना है? 5। अपने को क्रॉस चेक अगर करना है तो अपने को मालूम है कि 5% डिफेक्टिव है, तो p का वैल्यू कितना है? 0.05। कितने में से? 100 में से, मतलब n कितना है? 100। उसमें से डिफेक्टिव कितना है? 0.05। therefore mean m is equals to n into p, 100 into 0.05, m is equals to, बाई डिफॉल्ट क्वेश्चन में भी आपको e raised to minus 5 दिया है, तो जो भी पावर है इसका वही बाई डिफॉल्ट क्या बनने वाला है? m। ये लॉजिक है आपको समझाने के लिए, मतलब e to the power जो दिया रहेगा वो m ही होने वाला है। क्लियर? अब अपने वो क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में आपको पहला पूछा गया है कि अगर आपने इस बॉक्स के अंदर ऐसा देखा तो 10 पेन कैन बी डिफेक्टिव है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स विल कंटेन फर्स्ट नो डिफेक्टिव पेन। नो डिफेक्टिव पेन का मतलब है कि जो x का वैल्यू है वो कितना है? 0। 10 डिफेक्टिव हो सकते हैं, अब इसमें मेरा एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए, मतलब x का वैल्यू क्या लेने का है? 0 लेने। x के जगह पे इसके पहले आप क्या लेते थे? r। अभी यहां पे x वर्ड यूज कर दिया, क्यों? क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी x के फॉर्म में दी है और कुछ भी नहीं। तो अब मैं फाइंड कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 विल बी e रेज्ड टू माइनस m, m रेज्ड टू x अपॉन x फैक्टोरियल, e रेज्ड टू माइनस 5 इनटू m 5,
रेज़ टू एक्स का वैल्यू जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल। अभी क्वेश्चन में इसका वैल्यू आपको दिया है 0.0067, दो जीरो है ना, इनटू 5 to the power 0 इज 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज 1, आंसर 0.0067 हो गया सम। अरे बात समझा, दूसरा क्या पूछा है देखो जरा, फिर पूछा है एटलीस्ट वन डिफेक्टिव जरा ध्यान से, ऐसा बाइनोमियल में भी हो सकता है। एटलीस्ट वन डिफेक्टिव का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव मतलब कम से कम एक डिफेक्टिव है, एक डिफेक्टिव हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10 और कितना सॉल्व करेंगे, 1 से 10 तक सॉल्व करेंगे। मैंने कहा उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। अभी x का वैल्यू क्या आने वाला है, 1, 2, 3, 4, 5 से 10 तक जाने वाला है, तो मैं उल्टा कर देता हूं। टू फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, अगर मुझे फाइंड करना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 का मतलब है एक या एक से ज्यादा अगर फाइंड करना है, तो मैं इधर क्या करूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू नहीं बट लेस देन 1, क्योंकि वहां पे 1 चाहिए ना, तो लेस देन 1 मतलब 0 आएगा, लेस देन 1 मतलब क्या है 0, तो यहां पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0, और वो मैंने अभी सॉल्व किया है, किया ना, यहां पे मैं क्या कर दूंगा इसका आंसर 1 माइनस 0.0067। समझा मैंने क्या सॉल्व किया और क्यों ऐसा किया ये समझा गया, क्योंकि आपको अगर 1, 2, 3, 4 पूरा करना करो आंसर वही आने वाला है, और लेंथी प्रोसेस है, तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा जा रहा है तो छोटे की तरफ आ जाओ, और छोटे में देखो कितना चाहिए, हो सकता है बड़े में 5 नंबर आ रहा है और छोटे में सिर्फ 3 ही आ रहा है, तो 3 सॉल्व करना बेटर है 5 से, मतलब 8 नंबर में से मुझे 5 नंबर चाहिए तो 3 नहीं चाहिए ना, तो 3 सॉल्व करो और उसको 1 में से माइनस कर दो, उल्टा जब भी करना है 1 माइनस करना है, तो 1 माइनस वो 3 नंबर का आंसर निकालो, माइनस करो, आंसर 5 का आ जाएगा। बात समझा, समझा मैंने क्या बोला है, चलिए इधर माइनस करिए, बताइए कितना आंसर, 0.99 डन, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या फाइंड करना है जरा देखो, उसके बाद फाइंड करना है 2 or more defective, वापस से सेम चीज आ गया, 2 या 2 से ज्यादा डिफेक्टिव चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 2 या 2 से ज्यादा, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9 वैल्यू फाइंड करना है। मैंने कहा उससे अच्छा लास्ट के 2 ही फाइंड करो ना, 2 से कम क्या क्या आएगा, 0, 1, 2 नहीं चाहिए, 0 और 1, तो 2 सॉल्व करना इजी है, तो मैं इधर लिखूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 2, बराबर है, तो इधर अब आंसर क्या आएगा, 1 माइनस, अब जरा ध्यान देना, probability for x equals to 0 plus probability for x equals to 1, दो चीज लिखा मैंने, 1 minus probability for x equals to 0 में आपको ये formula apply करना है, मतलब e raised to minus m into m raised to x upon x factorial plus e raised to minus m into m raised to minus x upon x factorial, formula तो यही है, खाली x का वैल्यू बदलने वाला है, अब x का वैल्यू एक बार 0 लेंगे और एक बार 1 लेंगे, तो यहाँ पे आंसर आपको आएगा 1 माइनस e रेज टू माइनस 5, m का वैल्यू सेम है, इनटू m का वैल्यू 5, x का वैल्यू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, जो कि ऑलरेडी सॉल्व है आपके पास, प्लस e रेज टू माइनस 5 इंटू 5 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, x का वैल्यू 1 डालना है, बाकी सब तो क्वेश्चन में दिया है, इसका आंसर आपने सॉल्व किया डायरेक्टली लिखोगे, इसे हम सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 0.0067 प्लस e रेज टू, इसका आंसर आपके पास क्या है, 0.0067 इंटू 5 to the power 1 अपॉन 1, अरे समझा ना, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाय 1 तो सेम ही रहने वाला है, हा सबर हा, 1 माइनस 0.0067 प्लस, बोलो जरा मल्टीप्लाई करके, 0.03335, अब दोनों को क्या करना है, प्लस
वन माइनस, प्लस कर दो और कितना आंसर आ रहा है बताओ, 0.0402 बराबर है। अब माइनस वन कर दो, 9598 हो गया आंसर। अरे बात समझा, देखो ये बाइनोमियल जैसा ही है, खाली इतना है कि यहाँ पे बाइनोमियल का फॉर्मूला नहीं, पॉइजन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर सर? पॉइजन कब अप्लाई करेंगे, जब e टू द पावर दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही आने वाला है। क्वेश्चन आप देख लोगे तभी आपको समझ आ रहा है, ये तो e टू द पावर वाला है, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? चलिए ठीक है, और कुछ इसके अंदर पूछा है क्या? नहीं, इतना ही पूछा था, कंप्लीट कर लो फटाफट। सेकेंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 8, इट इज ऑब्जर्व दैट 1% ऑफ द मैंगोज इन द बॉक्सेस आर बैड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स ऑफ 100 मैंगोज, नंबर ऑफ बैड मैंगोज इज निल, ओनली वन, लेस देन टू, मोर देन टू, गिवन ई टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू 0.3679। सर हमको एग्जाम में देंगे क्या, ऐसा डाउट अगर आपके मन में आया तो आप बेवकूफ हो, क्योंकि e टू द पावर माइनस वन लोग देंगे तभी तो अपने को समझेगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म आने वाला है, तो अभी मानते हो ना बेवकूफ हो? वेरी गुड, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है जरा देखते, मजाक है अभी सीरियसली हो जाते, जरा ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहला m का वैल्यू निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर बैड मैंगोज कितना दिया है, 1%, तो 1/100 बराबर है, तो आई कैन से इट इज 0.01, कितने मैंगोज में, 100 मैंगोज में, देयर फोर एम इज इक्वल टू पी इंटू एन, एम इज इक्वल टू, साइलेंट कर देना, पी इज इक्वल टू 100 इंटू 0.01, एम इज इक्वल टू 1, देखो e का पावर क्या दिया, -1, आ गया m का आंसर। ये समझा, मतलब अपन ने m का वैल्यू जो अज्यूम किया वो सेम। अब पहला पार्ट पे जाएंगे, क्या चाहिए, निल मैंगो इज डिफेक्टिव, निल मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0, दैट इज e रेज टू माइनस m, m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 1, m मतलब 1 टू द पावर 0, 0 फैक्टोरियल, e टू द माइनस 1 कितना दिया है, 0.3679 इंटू 1 अपॉन 1, आंसर 0.3679, डन। उसके बाद क्रिश क्या पूछा, देखो ओनली 1, मतलब सिर्फ 1 ही चाहिए, तो x प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 1, दैट इज e रेज टू माइनस 1, m रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 1 का वैल्यू है 0.3679 इंटू 1 अपॉन 1, वापस से 0.3679, समझाइए। फिर क्या पूछा है, लेस देन 2, अभी लेस देन 2 में क्या आएगा, लेस देन 2 मतलब 2 नहीं चाहिए, 0 और 1 चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड 1, दैट वुड गिव यू e रेज टू माइनस 1, 1 इंटू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 1 इंटू 1 टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर आपके पास है 0.3679 प्लस 0.3679, दोनों को प्लस कर दो, प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 1, 0.7358, लेस देन 2 पूछा था ना यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 2 कैसे निकाला, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड 1 प्लस करके, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद मोर देन 2 बोला है, मोर देन 2 मतलब नहीं नहीं मोर देन 2 मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब 3/4 जाएगा, अपने पास यहाँ पे लेस देन 2 है, 2 है क्या इसके अंदर, नहीं, इसके अंदर अगर 2 होता तो डायरेक्टली मैं रिवर्स कर देता, आप मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 2 बराबर है, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 2 का साइन आएगा यहाँ पे,
क्योंकि इसमें टू भी इंक्लूड करना है, तो अब इधर आंसर आएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल्स टू वन प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल्स टू टू। समझाइए, जीरो और वन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, टू हमको सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्ट अब आंसर पे जा रहा हूं। इन दोनों को मैंने प्लस किया हुआ है, इधर का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 0.7358 प्लस, इन दोनों का आंसर हमने ऑलरेडी किया है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, बट आपको ऐसा फॉर्मूला लिखना है दोनों के लिए। क्लियर? प्लस e रेज टू माइनस वन इंटू वन इंटू टू अपॉन टू फैक्टोरियल। ये समझा क्या सुनी? क्या कुछ डाउट है बेटा? ठीक है, यहां पे ध्यान देते, वन माइनस 0.7358 इंटू 0. e टू द पावर का आंसर क्या है? 0.3679। वन का स्क्वायर वन, टू फैक्टोरियल मतलब टू, अरे बराबर है। अब यहां पे टू से इसको डिवाइड कर दो, पहले 0.3679 को टू से डिवाइड करो और आंसर बताओ कितना है। 0.1839। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 0.7358 प्लस 0.18395 9197 ओके फाइव, माइनस कर दो 0.008025 आ गया आंसर। अभी 25 मतलब अब इसे 3 कर दो ना, एक ही बात है, लॉजिक क्लियर हो गया कंप्लीट। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब पॉइजन वेरिएट हैज अ स्टैंडर्ड डिविएशन 3, फाइंड पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 गिवन e raised to minus n equals to 0.000123। ये दिया आपको, चलिए ठीक है ध्यान दे दो। क्वेश्चन में आपको क्या दिया जरा बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया आपको? क्वेश्चन में दिया है अ पॉइजन वेरिएट विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन, कितना दिया है? 3 बराबर है। और क्या क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी फॉर 0, प्रोबेबिलिटी फॉर 1 एंड बस, और e रेज टू माइनस 9 इक्वल्स टू 0.000123। इतना ही है ना? मुझे एक चीज तो क्लिक हो गया, n मतलब m का मतलब 9 है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं। डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फॉर 0 अगर मुझे फाइंड करना, e रेज टू माइनस m m raised to x upon x factorial, मैं सॉल्व कर दूंगा, बट m x दिया ना बेटा 0 और 1, कर सकता हूं मैं सॉल्व, मैं कर सकता हूं डायरेक्टली e raised to minus 9, m का वैल्यू दिया ना 9, मैंने बता दिया था ना आपको, बट अपने को ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। मुझे मालूम है यहां पे m का मतलब 9 है, मैं डायरेक्टली सॉल्व किया, आंसर भी करेक्ट है, बट अपने को पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने m का वैल्यू तो डायरेक्टली आपको मालूम था तो लिखा, लेकिन मालूम ही नहीं होता कि इसका पावर में जो होता वो m, अगर नहीं मालूम होता तो कैसे फाइंड करते। तो sd दिया है, कितना दिया है? 3। sd का मतलब क्या होता है? रूट ऑफ वेरियंस, ये दिया है 3, रूट ऑफ वेरियंस, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू वेरियंस, वेरियंस इक्वल टू 9 एंड वेरियंस इज इक्वल टू मीन, किसमें? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला n इंटू पी है, वेरियंस का फॉर्मूला n इंटू पी इंटू क्यू है, बट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में m इज इक्वल टू v है, फर्क समझ के रखना ये, क्लियर? इसलिए जो वेरियंस आया वो वेरियंस ही मेरे लिए क्या है? मीन है, और मीन का आंसर कितना आया? 9, और यही इसको पावर में भी है, तो m का वैल्यू 9। समझा मैंने क्या बोला? चलिए ये मिल गया, अब नॉर्मल बेसिक सा सब, p इक्वल्स टू 0 दैट इज e रेज टू माइनस m, m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 9, m का वैल्यू कितना है? 9 टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस का आंसर 0.00123, इसका आंसर 1 अपॉन 1, तो ये मेरा आंसर है p टू द पावर 0 का, सॉरी p 0 फैक्टोरियल का। अभी p का वैल्यू 1, e raised to minus m, m raised to x upon x factorial,
ई रेज टू माइनस नाइन, नाइन टू द पावर ऑफ वन अपॉन वन फैक्टोरियल. अरे बराबर है, डन यहां तक. अब 0.000123, 9 टू द पावर 1 इज 9 अपॉन 1, 9 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर बता दो. 0.001107 पक्का हो सकता, तूने एक जीरो कम डाला रहेगा. आर्यन तेरे साथ मिस्टेक होते रहता है. क्लियर है यहां तक? पक्का. बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया. ये कौन सा क्वेश्चन था? नाइन्थ वाला, टेंथ वाला देख लेते. इसमें इतना ही पूछा था ना, टेंथ वाला क्या है. फॉर अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इक्वल्स टू वन इज 1.4. फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल्स टू थ्री गिवन दैट ई रेज टू माइनस फोर इक्वल्स टू 0.0183. देखो अभी वो डिफिकल्ट करना चाह रहा है इतना ही, पर वो क्वेश्चन को ऐसे ऐसे घुमा के दे रहा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए. तो कंफ्यूज होने जैसा नहीं है, खाली कंसेप्ट को दिमाग में रखो, फॉर्मूले को दिमाग में रखो. क्वेश्चन में क्या बोला है? रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू जीरो एंड वन इज गिवन टू यू 1/4. रेशियो का मतलब अपॉन में होता है. ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10. मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू जीरो अपॉन प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू वन का आंसर कितना है? 1/4. अगर ये है तो इसे कुछ ना कुछ तो मिसिंग रहेगा, वो फाइंड करना पड़ेगा. और जैसे ही ये फाइंड कर लोगे आपको x का वैल्यू 3 लेके सॉल्व करना. अब प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला, e रेज टू माइनस m टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय e रेज टू माइनस m इनटू m रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/4. जब भी मैं ऐसा डिवीजन दिखता हूं ना, मेरे को पसंद ही नहीं है, मैं मेरा वाला डिवीजन दिखता हूं. e रेज टू माइनस m, m रेज टू 0, 0 फैक्टोरियल इज 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू माइनस m, m रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब 1 इक्वल्स टू 1/4. स्वानी जब भी ये डिवीजन लिखता हूं ना तो फीलिंग आता है. इस डिवीजन का नाम है फीलिंग वाला डिवीजन. ये डिवीजन नहीं होगा, ये मल्टीप्लीकेशन होगा. और जैसे ये मल्टीप्लीकेशन होगा देखते क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस m, m टू द पावर 0 इज 1. समझा? m टू द पावर 0 इज 1 इनटू ये भाई साहब ऊपर अपॉन e रेज टू माइनस m, m टू द पावर 1 इज 1 मतलब m वही नंबर आएगा इज इक्वल्स टू 1/4. अरे बराबर है, 1/m इक्वल्स टू 1/4, m इज इक्वल्स टू 4. आप देखना क्वेश्चन में e रेज टू माइनस 4 का ही वैल्यू दिया है, मतलब m का वैल्यू मिल गया. मैं आंसर डायरेक्टली कर सकता था बट अपने को m फाइंड करना है हर क्वेश्चन में. ये मिल गया प्रोबेबिलिटी फॉर क्या पूछा है, x इक्वल्स टू दैट इज e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल e रेज टू माइनस 4, 4 रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल e रेज टू माइनस 4 का आंसर 0.21. अच्छा हमें जब लिखते हो तब बोलो. हाँ 0.0183 इंटू 4 टू द पावर ऑफ 3 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार करना है तो 4 इंटू 4 इंटू 4, अच्छा 64 ठीक है, अपॉन 3 2 1 ठीक है. 3 8 2 1 2 3 6 2 2 4 और कैंसिल होएगा क्या? नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके फाइनल आंसर मेरे को बता दो, 0.52. ये क्या आया? प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 3 का आंसर. बात समझ में आया क्या? पक्का समझा है? अगर कुछ डिफरेंट आता तो कैसे सम सॉल्व करोगे? क्लियर है यहां तक? 100% वेरी गुड. होपफुली अब यहां पे मैं इसको टॉपिक को वाइंड अप करता हूं. एक सम बचता है, अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहो तो उसका सॉल्यूशन देख लेना, क्योंकि इसके अंदर और कुछ भी नहीं है. तो ये टॉपिक यहीं पे वाइंड अप होगा. होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.